विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए और उसे ओपन करके उसके अंदर से जो मटेरियल निकलेगा विटामिन ई, उसे स्किन पे लगाइए, फेस पे, और इससे आपके फेस में ग्लो आएगा। क्या सच में ऐसे ये काम करता है? किसी भी चीज़ को स्किन में अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए उसका एक खास मॉलिकुलर साइज होना चाहिए। वो इतना छोटा होना चाहिए कि स्किन की सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। अगर उसके मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो वो स्किन में अंदर नहीं जा सकता। विटामिन ई और विटामिन ए, ये दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल का साइज़ इतना बड़ा है कि ये आपके स्किन में लगाने से अंदर नहीं जा सकते। तो फिर ये कैसे काम करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि विटामिन ई लगाने से ग्लो आ रहा है, या फाइन लाइंस कम हो रही हैं, या डार्क सर्किल कम दिख रहा है, या स्ट्रेच मार्क कम दिख रहा है। कैसे? तो इसका रीज़न ये है कि विटामिन ई और ए दोनों ही फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो बेसिकली ये ऑयली होते हैं, ये किसी क्रीम की तरह, मॉइस्चराइज़र की तरह काम करते हैं। जब आप इसे स्किन पे लगाते हैं तो ये ऊपर, सिर्फ ऊपर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। लेकिन अंदर एक ये वाटर की थिन फिल्म को ब्लॉक करते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बना रहता है स्किन में, और इस मॉइस्चर बने रहने की वजह से कुछ ग्लो का इफ़ेक्ट या कुछ लाइंस कम दिखने का इफ़ेक्ट आता है। पर एक्चुअल में विटामिन ई की वजह से नहीं, सिर्फ उसके मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। तो विटामिन ई को वेस्ट मत कीजिए, कैप्सूल खोल के लगाने से कुछ नहीं होने वाला। उसे खा लीजिए और एक बढ़िया मॉइस्चराइज़र लीजिए जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे और स्किन में ग्लो लाए। तो आगे से आप ऐसी कोई टिप देखेंगे यूट्यूब में या पार्लर्स में, और सो कॉल्ड ब्यूटी एक्सपर्ट्स ऐसी एडवाइस देते हैं कि विटामिन ई की कैप्सूल लगाइए स्किन के ऊपर ग्लो के लिए, इतने मिनट, और ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। कुछ नहीं काम करता। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए और विटामिन ई खाइए, वो ज़्यादा काम करेगा।